बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बेकलाइट द बर्थ ऑफ मॉडर्न प्लास्टिक्स। जो मॉडर्न प्लास्टिक्स है वो कैसे बनती हैं, ये हमारा रीडिंग पैसेज वन है, टेस्ट टू है और क्वेश्चन नंबर 1 to 13 हम लोगों ने सॉल्व करने हैं। हमने देखना है कि हम लोग इन 1 to 13 क्वेश्चन को 15 मिनट्स में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बुक हमारी 5 है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमेशा बेकलाइट टाइटल को पढ़ेंगे। बेकलाइट द बर्थ ऑफ मॉडर्न प्लास्टिक्स, मतलब समझ आ गई कि प्लास्टिक के बारे में बात होने जा रही है। उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। कीवर्ड्स कौन कौन से हमारे होते हैं, डेट्स, मंथ्स, ईयर्स एंड नाउन, इन सबको हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। अगर यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की बात हो वो भी आप लोग साथ ही अंडरलाइन करते जाएं। इससे ये होगा कि हम लोग इजीली कोई भी जो उस क्वेश्चन है उसको इजीली सर्च कर सकेंगे। अब आप देखेंगे कि हम सबसे पहले हम लोग पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इन 1907 लियो हेनरिक बेकलैंड बेल्जियन साइंटिस्ट वर्किंग इन न्यूयॉर्क डिस्कवर्ड एंड पेटेंटेड अ रेवोल्यूशनरी न्यू सिंथेटिक मटेरियल। उसने यहाँ पे एक नया सिंथेटिक मटेरियल जो है वो बनाया था। हिज इन्वेंशन विच ही नेम्ड बेकलाइट, जिसको उसने नाम दिया था बेकलाइट का, वाज ऑफ एनॉर्मस टेक्नोलॉजिकल इम्पोर्टेंस एंड इफेक्टिवली लॉन्च द मॉडर्न प्लास्टिक्स इंडस्ट्री। वाज इनॉर्मस क्या होता है, टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ी इन्वेंशन एंड इफेक्ट लॉन्च द मॉडर्न प्लास्टिक्स, जब मॉडर्न प्लास्टिक इंडस्ट्री उन्होंने लॉन्च की थी। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। ग्रीक प्लाजियन, जितने भी आपको कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं अपन सबको अंडरलाइन करते जाएं ज़रा मेरे साथ साथ। नेक्स्ट पेज पे आ जाए ज़रा, 1907। अब जितने भी हमने उनको अंडरलाइन कर लिया है, नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा। अब अपने क्वेश्चन पे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 है। सबसे पहले 1 to 3 है, हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। कंप्लीट द समरी, चूज़ वन वर्ड ओनली। अगर उन्होंने यहाँ पे एक लफ्ज़ कहा है तो आप लोगों ने एक वर्ड ही चूज़ करना है, दो नहीं करेंगे। दो करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सम प्लास्टिक्स बिहेव्स इन अ सिमिलर वे टू डैश इन दैट दे मेल्ट अंडर हीट। अब देखिए, सम प्लास्टिक बिहेव टू अ सिमिलर वे। सिमिलर वे का मतलब है सेम। अब पैराग्राफ नंबर 2 में हम चले जाएंगे, 4 to 5 लाइंस में हमें आंसर मिलेगा। 1, 2 सेकंड पैराग्राफ है। एंड सम आर इंटायरली सिंथेटिक दैट इज केमिकली इंजीनियर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोल आर ऑयल। सम आर द थर्मोप्लास्टिक विच मीन्स दैट लाइक कैंडल वैक्स। कुछ जो होते हैं वो थर्मो विच मीन्स लाइक मतलब जैसा कि कैंडल वैक्स। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, सिमिलर वे टू कैंडल वैक्स। इन दैट दे विल मेल्ट अंडर हीट एंड कैन बी मोल्डेड इन टू न्यू फॉर्म्स। दे मेल्ट वैन हीटेड एंड कैन बी रीशेप्ड। रीशेप्ड मीन्स molded into new forms. Bakelite was unique because it was the first material to be both entirely, जहाँ पर ये entirely होगा मतलब totally, वहाँ पर हमारा answer होगा, to be both entirely in origin and thermostating. अब हम देखेंगे entirely या totally का word किधर है। Shaped others are thermostating, ये आ गया। The like eggs, they cannot revert to their original viscous state and their shape is thus fixed forever. Bakelite had the distinction of being the first totally मतलब entirely synthetic thermosetting plastic totally synthetic entirely in totally synthetic entirely synthetic. नेक्स्ट पे आए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। देयर वर सेवरल रीजंस फॉर द रिसर्च इन टू प्लास्टिक इन द 19th century। हम देखेंगे 19th century किधर है। अमंग देम द ग्रेट एडवांस दैट हैड मेड इन द फील्ड ऑफ डैश एंड इन सर्च फॉर अल्टरनेटिव नेचुरल रिसोर्स लाइक आइवरी। आइवरी का वर्ड हम देख लेंगे किधर है, 19th century किधर है। 19th century ये आ गया 19th century। The impetus behind the development of these early plastics was generated by a number of factors: immense technological
ये आ गया आइवरी। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमने देखना क्या है, इन द फील्ड ऑफ, फील्ड मतलब ये कि कौन सा काम है। यहाँ पे आंसर है हम लोगों का इमेंस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन द डोमेन ऑफ केमिस्ट्री, फील्ड ऑफ मींस डोमेन ऑफ केमिस्ट्री। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 to 8 पे, द प्रोडक्शन ऑफ बेकलाइट। यहाँ पे हम देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ बेकलाइट को। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे जो बेसिक होता है। आप लोगों ने हमेशा एग्जाम में बैठना है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप लोगों ने स्टेटमेंट को ज़रूर पढ़ना है। चूज वन वर्ड ओनली फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर, एक लफ्ज़ आपने यहाँ पे चूज़ करना है। राइट योर आंसर इन बॉक्सेस 4 to 8, 4 से 8 तक जो है। फेनोल, फॉर्म एल्डिहाइड कम्बाइन अंडर वैक्यूम, स्टेज वन रीजन कॉल्ड, कॉल्ड क्या कहलाता है, रीजन स्टेज वन रीजन कॉल्ड। ये स्टेज प्रोसेस स्टार्ट हो गया। फिनोइल एंड फॉर्माडिहाइड फॉर्म वुड आर कोल, वेयर इनिशियली कम्बाइंड अंडर वैक्यूम इन साइड अ लार्ज एग शेप्ड कैटल, द रिजल्ट वॉज आर रीजन, स्टेज आर वन रीजन कॉल्ड एज नोवलक, उसको क्या कहते हैं नोवलक, नोन एज नोवलक, कॉल्ड को क्या कहते हैं नोन एज नोवलक। नेक्स्ट पे जरा, कूल अंटिल हार्डेंड, ब्रेक अप एंड ग्राइंड इनटू पाउडर। 4, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। हम लोगों ने इसका इसका तरीकाकार देखना है कि कौन सा क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है। 5, कॉटन एब्स्टिट्यूट्स और कैटालिस्ट्स। अब यहाँ पे देखिए कॉटन एब्स्टिट्यूट्स किधर है, अदर सब्सटेंसेस वर देन इंट्रोड्यूस इंक्लूडिंग फिलर सच एज वुड फ्लोर एब्सिटोज आर कॉटन विच इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड मॉइस्चराइज रेजिस्टेंस। फिलर्स, इसका आंसर क्या है, फिलर्स, फिलर्स के अंदर क्या आते हैं ये सारी की सारी चीज़ें। फिलर्स में क्या कह रहा है, कॉटन एब्सिटोज और वुड फ्लोर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, अब अमोनिया फॉर्मल्डिहाइड्रेट ये किससे बनता है, अमोनिया एंड फॉर्मल्डिहाइड्रेट, अमोनिया अ कंपाउंड ऑफ हेक्सा, हेक्सा क्या है, अ कंपाउंड ऑफ अमोनियन फॉर्मल्डिहाइड्रेट हेक्सा। नेक्स्ट पे जरा क्वेश्चन, स्टेज 2 रेजिन, स्टेज 2 रेजिन कूल अंटिल हार्डेंड, ब्रेक अप एंड ग्राइंड इनटू पाउडर, बेक लाइट, बेक लाइट के पीछे जो वर्ड होगा वो हमारा आंसर होगा। इसी सीक्वेंस में हम नेक्स्ट चलेंगे, देखते हैं बेक लाइट किधर है, पढ़ने जरा, स्टेज 2 रीजन कूल अंटिल हार्डेंड, ब्रेकअप एंड ग्राइंड इनटू पाउडर, स्टेज 2 ये बेक लाइट, वुड फ्लो इमली एंड कम्प्लीटली इनटू मोल्ड, शार्प कॉर्नर्स प्रूव्ड इम्पैक्टिकल वर दस अवॉइडेड गिविंग राइज टू द स्मूथ स्ट्रीमलाइन स्टाइल, पॉपुलर वॉल्स ऑफ द मोल्ड वॉज क्रूशियल थिक वॉल्स। बेकलाइट ऑब्जेक्ट, दिन बेकलाइट ऑब्जेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एयरिंग्स टू टेलीविजन सेट्स वाज गवर्निंग टू लार्ज एक्सटेंट विद टेक्निकल इफेक्ट, कुड नॉट बी डिजाइन सो दैट लॉक्ड इनटू मोल्ड एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट, अ कॉमन जनरल रूल वाज दैट ऑब्जेक्ट्स। ऊपर वापस चले जाए यहाँ पे देखिए जरा, देन लेफ्ट टू कूल हार्डन एंड ग्राउंड अप सेकेंड टाइम, यहाँ पे आ गया सेकेंड टाइम, रिजल्टिंग ग्रैंडुलर पाउडर वाज रॉ बेक। आंसर क्या है हम लोगों का, RAW, हीट पोर इनटू मोल्ड, अप्लाई इंटेंस हीट एंड डैश, हीट कूल अंटिल हार्डेंड, हीटेड बेक लाइट वाज पोर्ड इनटू अ हॉलो मोल्ड ऑफ द रिक्वायर्ड शेप एंड सब्जेक्ट टू स्टीम, हीट एंड प्रेशर, हीट एंड, इसके बीच में एंड आ गया ना आल्सो, इसका मतलब हीट एंड प्रेशर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 to 10 पे आ जाए ज़रा।
सबसे पहले स्टेटमेंट को विच टू लेटर्स ए टू ई राइट योर आंसर बॉक्स 9 to 10 ऑन योर आंसर शीट। सबसे पहले देखें विच टू ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डिजाइन ऑफ बेकलाइट ऑब्जेक्ट्स आर मेंशन इन द टेक्स्ट। द फंक्शन विच द ऑब्जेक्ट वुड सर्व द ईज विद विच द डिजाइन वुड फिल द फैसिलिटी। अब देखेंगे कि बेकलाइट ऑब्जेक्ट्स आर मेंशन क्या कहते हैं। पैराग्राफ नंबर 6 में हमारा जो आंसर है वो 5 to 8 ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 पैराग्राफ 6 ये वाला और जो हमारी लाइन है वो है 5 to 8 लाइंस 1, 2, 3, 4, 5 मोल्ड्स हैड टू बी केयरफुली डिजाइंड सो दैट द मोल्टन बेकलाइट वुड फ्लो इवनली एंड कम्प्लीटली इनटू द मोल्ड। केयरफुली डिजाइन सो दैट द मोल्टन बेकलाइट वुड फ्लो इवनली एंड कम्प्लीटली इनटू द मोल्ड। आंसर क्या हम लोगों का द ईज विद विच द रेजिन कुड फिल द मोल्ड बी। नेक्स्ट भी हम लोग इधर से ही देंगे इसका आंसर। द ऑब्जेक्ट कुड नॉट बी डिजाइंड सो दैट इट वॉज लॉक्ड इन टू द मोल्ड एंड देयर फॉर डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट। अ कॉमन जनरल रूल वॉज द ऑब्जेक्ट कुड शुड टेपर टूवर्ड द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द मोल्ड एंड इफ दैट नेसेसरी द प्रोडक्ट वाज मोल्डेड इन सेपरेट पीसीज। उसको क्या किया है सेपरेट पीसीज में निकाला जाएगा। तो आंसर इसका क्या है द फैसिलिटी विच द ऑब्जेक्ट कुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द मोल्ड सी। फर्स्ट वाला आंसर हमारा 5 to 8 लाइंस में, नेक्स्ट वाला आंसर हमारा 2 to 5 लाइंस में। नेक्स्ट में डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्री विद द इंफॉर्मेशन गिवन रीडिंग पैसेज वन। रीडिंग पैसेज वन के अंदर ये जो है हमारी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन मौजूद है। स्टेटमेंट हमें बता देती है हमने आंसर कहाँ से देना और कैसे देना। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, ट्रू स्टेटमेंट क्या होती है जो पैराग्राफ दिया गया हो और पैसेज में भी दिया गया हो। फॉल्स क्या होता है जो पैराग्राफ में भी दिया गया पैसेज में भी दिया गया लेकिन गलती से गलत लिख दिया गया हो। नॉट गिवन क्या है जो स्टेटमेंट दी ही ना गई हो। मॉडर्न डे प्लास्टिक प्रिपरेशन इज बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल एज दैट पेटेंटेड इन 1907। अ बेल्जियम साइंटिस्ट वर्किंग इन न्यूयॉर्क डिस्कवर्ड एंड पेटेंटेड अ रेवोल्यूशनरी न्यू सिंथेटिक मटेरियल हिज इन्वेंशन व्हिच इज ही नेम्ड बेल्जियम वाज एनॉर्मस टेक्नोलॉजिकल इंपोर्टेंस एंड फैक्टली लॉन्च द मॉडर्न प्लास्टिक्स इंडस्ट्री। सॉरी रीडिंग पैसेज वन का उन्होंने पैराग्राफ वन नहीं कहा तो हम लोगों का यहाँ पे आंसर नहीं मिल रहा। हम लोग नेक्स्ट पे चले जाएंगे। ये रीडिंग पैसेज वन है पैराग्राफ नहीं है। मॉडर्न प्लास्टिक डे प्रिपरेशन 1907। अब देखें 1907 इधर आ गया, नेक्स्ट 1907 देखते हैं किधर। यहाँ पे यहाँ से देख ले। बेकलैंड टुक आउट हिज फेमस पेटेंट डिस्क्राइबिंग दिस प्रेपरेशन द एसेंशियल फीचर ऑफ विच आर स्टिल इन यूज टूडे। अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आंसर क्या है हमारा ट्रू है। मॉडर्न डे प्लास्टिक्स मतलब स्टिल इन यूज टूडे प्रिंसिपल असेंशियल फीचर्स, प्रिंसिपल्स असेंशियल फीचर्स। नेक्स्ट वेदर बेकलाइट वॉज इमीजिएटली वेलकम्ड एज अ प्रैक्टिकल एंड वर्साटाइल मटीरियल। पैराग्राफ नंबर 7 में जाएंगे। इमीजिएटली वेलकम्ड एज अ प्रैक्टिकल एंड वर्साटाइल मटीरियल। बेकलाइट्स इन्वेंशन ऑल्दो ट्रीटेड विद डिसडेन इन इट्स रियल इट्स अर्ली ईयर्स। Disdain means was not welcomed in its early years immediately. On to the enjoy. Immediately welcomed as a practical and a versatile material. यहाँ पे कहते हैं was immediately welcomed और यहाँ पे क्या कहते हैं although treated with disdain was not welcomed in its early years. तो आंसर क्या है हम लोगों का false है। Not welcome. Bakelite was only available in a limited range of colors. Bakelite was only available in a limited range of colors.
अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर किधर आ रहा है, बेकलाइट वाज ओनली अवेलेबल इन अ लिमिटेड रेंज ऑफ कलर विच लास्टेड थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी. इफ इट बिकेम वंडर प्रोडक्ट ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन द मटेरियल ऑफ थाउजेंड यूजेस बीइंग बोथ नॉन पोरस एंड हीट रेजिस्टेंट. बेकलाइट किचन गुड्स वर प्रमोटेड एज बीइंग जर्म फ्री एंड स्टेरिलाइजेबल. मैन्युफैक्चरर्स सीज्ड ऑन इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज एंड कंज्यूमर्स एवरीवेयर रिलेस्ट इट्स एरिया ऑफ शेड्स. इसमें क्या है, काफ़ी सारे शेड्स हैं. इट्स डेजिंग एरिया ऑफ शेड्स. तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं, अवेलेबल ओनली अवेलेबल इन लिमिटेड रेंज ऑफ कलर. यहाँ पे ये क्या कहते हैं, डेजलिंग एरिया ऑफ शेड्स. आंसर क्या हम लोगों का, फॉल्स है. पैराग्राफ नंबर 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन. पैराग्राफ 7, 6 लाइन. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 13. आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर किसी किस्म की कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और काइंडली अच्छे से अच्छे कमेंट्स करें. बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह.